न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। घाटे और मंदी से गुजर रहे माल के मालिक ने अपनी ही दुकान में आग लगाने की बनाई प्लानिंग। घटना के पूर्व ही शातिर अपराधियों को कैंट पुलिस ने दबोचा। असलाह, कारतूस, मिट्टी का तेल, माचिस भी बरामद। घटना का एसपी सिटी ने किया खुलासा। छात्रों द्वारा अराजकता किए जाने की शिकायत पर एसपी सिटी ने किया गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण। कहा, बिना आई कार्ड के घूम रहे लोगों पर होगी कार्रवाई। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत बनने वाले शौचालय सहित अन्य योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। योजनाओं को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाज सेवी डॉक्टर राधाकांत मिश्रा का 81 वर्ष की अवस्था में हुआ निधन। गोरखपुर शहर में शोक की लहर, गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। एसपी सिटी ने किया दीवानी न्यायालय परिसर का औचक निरीक्षण। लॉकअप सहित अन्य जगहों के सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। शिक्षा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की जांच कराने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अपर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। कहा, विभागीय मिलीभगत से चल रहे हैं सैकड़ों अमान्य विद्यालय। स्कूली वाहन सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने किया 280 वाहनों की सघन चेकिंग। अनियमितताएं पाए जाने पर 13 बसों का किया चालान। एसपी सिटी ने कहा, स्कूली छात्रों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एसपी ट्रैफिक ने ऑटो चालकों को दिया वर्दी और आईडी कार्ड। एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने ऑटो चालकों को यातायात नियमों का पालन करने का दिया निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरटीओ गोरखपुर ने बताया, एम परिवहन ऐप से अभिभावक ले सकते हैं अपने स्कूली बसों की स्थिति की जानकारी। रोड सेफ्टी क्लब में भी कर सकते हैं शिकायत। 12 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ ने दिया धरना। सरकार का ध्यान दिलाने एवं उन्हें पूरा कराने के लिए आयोजित हुआ धरना। और रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का मानव जीवन पर इसका प्रभाव विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। प्रथम 2 स्थान पाने वाले छात्र मंडल स्तर पर करेंगे प्रतिभाग।